भगवान राम की अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पूरे संसार में, देश में, घर घर में, गांव गांव में बहुत खुशी की लहर है। तो हमारी लोकसभा में इस कार्यक्रम को करने के लिए एक बहुत बृहद कथा का आयोजन हम सब ने किया है, और जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा कहेंगे, और हम लोग भगवान राम जी की एक बहुत बड़ी उनकी उसी तरह की मूर्ति का रेप्लिका यहां बना रहे हैं, जो यहां के लोगों के लिए एक आकर्षण होगा। अभी बहुत भीड़ है अयोध्या जी में, तो हम इसको 3 दिन तक एक अयोध्या जी की तरह ही श्रृंगार कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि आइए राम से कुछ सीखें और हम सभी मिलकर प्यार मोहब्बत सत्य त्याग की बातों को जन जन में फैलाएं। सर, और इस पंडाल में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? इस पंडाल में लगभग 2.5 लाख लोगों के इकट्ठे बैठने की जगह है। इसके अलावा हम इसके दाहिने, बाएं, सामने उतनी ही जगह और रखे हुए हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर 10 लाख तक भी लोग आ जाएंगे तो हम यहां किसी को धक्का मुक्की नहीं होने देंगे। बाहर भी कारपेटिंग कर रहे हैं, लोग आराम से इस भीनी भीनी धूप में बैठ करके इस अद्भुत राम कथा का, धीरेन्द्र शास्त्री जी के, बागेश्वर गुरु वाले गुरु जी के कथा का श्रवण करके अपने जीवन लाभ ले सकते हैं। सर, बागेश्वर सरकार के उस कथा सुनने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु जो आते हैं वो अक्सर हाँ रुक जाते हैं, तो उन लोगों के लिए हम उनकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। लगभग 20,000 लोगों की प्रतिदिन खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और जरूरत पड़ने पे हम 10,000 एक्स्ट्रा लोगों की भी तुरंत तैयारी कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था है हमारी। जो लोग रह रहे हैं उनके नहाने के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बाकी हम तो देखिए इंसान हैं, पार करने वाले तो प्रभु श्री राम हैं, हनुमान जी हैं। कुछ संगीतकार भी आ रहे हैं? हाँ, इस अवसर पे बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार, जैसे कन्हैया मित्तल जी आएंगे, एक भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार पवन सिंह जी आएंगे, हमारे अभी अभी जिनको एनिमल फिल्म के लिए फिल्म फेयर मिला है, विशाल मिश्रा जी, वो भी आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार इसमें आएंगे, और बाकी मनोज तिवारी, शीतल पांडे, अमित धूल, ऐसे लोग तो हम लोग सेवा में हैं।